हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सभी का दोस्त शेंटी सूर्यवंशी, शेंटी वीडियो क्रिएटर। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में और यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत खूबसूरत ब्लॉग लेकर आया हूं। तो गाइस, आज का ब्लॉग है तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट मंदसौर, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, मध्य प्रदेश। ये मंदसौर के राम टेगरी के पास स्थित है, जहाँ इस स्पॉट को तेलिया तालाब के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ की जो जगह है, ये एक तालाब पर बनी हुई है। काफ़ी गहरा तालाब है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इतना बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। अभी बारिश में लगभग ये लपालप किनारे तक भर जाता है। और ये कितना, ये जैसे कि वो आपको वीडियो में पीछे जो बाउंड्री दिख रही वाइट कलर की, ये इतना पूरी बारिश में भर जाता है। और ये बैक साइड में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, ये पूरा पानी से ढक जाता है। पीछे जो वो झाड़ियाँ है अभी फिलहाल में, ये पूरी डूब जाती है। यानी कि इतना पानी इस तालाब में भरा जाता है। अभी जिस स्थिति में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर भी पानी रहता है, लेकिन जस्ट अभी क्या गर्मी का सीज़न था, जस्ट बारिश शुरू हुई, इसलिए पानी यहाँ पर कम है। दोस्तों, काफ़ी गहरा तालाब है, इसलिए यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट बना गया है यहाँ पे, यहाँ की नगर परिषद के द्वारा। तो यहाँ पे काफ़ी पब्लिक यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आती है, विशेषकर संडे के दिन काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पर। गाइस, आपको वीडियो में प्रॉपर दिखा है लगभग, मैं आपको और बताऊँगा इस तालाब के बारे में, जितने हो सके उतनी आपको मैं जानकारी आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और हो सके तो इसको शेयर ज़रूर करें। चलो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत ब्लॉग। गाइस, वीडियो के हाइलाइट्स और थंबनेल से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यहाँ का जो पिकनिक स्पॉट बनाया गया है कैसा बनाया गया है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने जैसी है। लेकिन और भी हम डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिए और थोड़ा भी स्किप ना करें। चलो, वीडियो की शुरुआत में हम आपको सबसे पहले बताएंगे यशोधर्मन द्वार। इसी द्वार यानी इसी गेट से ही आपको अंदर जाने की एंट्री मिलती है। लेकिन इस द्वार से पहले आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने जैसे है, यह हम आपको बताएंगे। जैसे कि वीडियो में आपको ये बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं, और छोटी चक्रियाँ, और भी बहुत सारे छोटे बच्चों के खिलौने की दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हैं। और उसके अलावा आपको किसी प्रकार का खाने पीने की, यानी ऐसा नाश्ता जैसे थैले आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहे हैं, जो अभी सीजनेबल में भुट्टे चल रहे थे, भुट्टे, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आपको खाने को यहाँ पे मिल सकती हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पे संडे के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। संडे के दिन यहाँ पे लोग बहुत आते हैं, आपको वीडियो में दिख ही रहे होंगे कि कितने ट्रैफिक, यानी टू व्हीलर्स यहाँ पे हैं, फोर व्हीलर और साइड में खड़ी है। चलो, तो फिर चलते हैं अपन पिकनिक स्पॉट की ओर, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। ये आपको स्टैचू देख रहे हैं यशोधर्मन जी का। शुरुआती में सबसे पहले आपको यशोधर्मन जी का स्टैचू दिखता है जैसे आपको एंट्री करेंगे, और आगे अपन बढ़ते हैं और इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। वीडियो को देखें, एंटर हो चुके हैं तालाब के, यहाँ पे जा रहे हैं, उसका दृश्य अब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ है गरीश राठौर और सत्यप्रकाश जी, माधव साहब। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, आम सूचना, तालाब में किसी भी प्रकार का कचरा, गंदगी, प्लास्टिक और वस्तु डालना पसंद, उल्लंघन करते पाए जाने पर 200 रुपये का आपका दंड वसूला जाएगा आपको। तो दोस्तों, अगर आप, सही बात है कि अगर सफाई अभियान देश में चल रहा है तो सफाई का विशेष का ध्यान रखिएगा। गाइस, कोई भी ऐसा काम ना करें यहाँ पे कि किसी को दिक्कत हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ये आप पूरा CCTV कैमरे की निगरानी में है। माता भी बहुत मस्त हो रहे हैं, फोटो खींचने में काफ़ी खुशी है। और समस्या एक आ चुकी है हमारे साथ अभी फिलहाल, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम आ गए।
कर इस तालाब ने हमने कभी देखा नहीं था। आज पहली बार, ये सेकेंड टाइम है, फर्स्ट टाइम आए तो कभी इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे भी और अच्छा थोड़े दिन बाद लगेगा, क्योंकि थोड़ा पानी वो भर जाएगा, अभी खाली खाली है पूरा। तो गाइस, और मैं वहाँ अंदर जाके और बताऊँगा आपको कितना पानी भरा है, क्योंकि हम लोग अच्छे से नहीं जा रहे हैं। बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बैक साइड में जो तालाब दिख रहा है आपको, काफ़ी गहरा तालाब है। अभी बारिश कम होने की वजह से थोड़ा पानी का लेवल कम है, और ये जितना हरा हरा दिख रहा है ये पूरा इसको पानी में पूरा, ये बारिश के टाइम जितनी बारिश होती है ना, ये पूरा लगभग डूब जाता है। मतलब ये जितना हरा दिख रहा है ना, इतना यहाँ पे पानी का लेवल दिखता है। ये पानी वानी ये जिसमें अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लगभग बारिश के टाइम में यहाँ पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे लगभग पानी रहता है, जिससे मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहें, चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ का कुछ और नई चीज़, क्या क्या विशेषता है यहाँ की। कोशिश करते हैं अपन किसी और लोगों से यहाँ पे बात करने की, और जानेंगे यहाँ के कुछ खूबसूरत मोमेंट्स क्या है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल तालाब में पानी कम है, इसकी वजह से ये तालाब अभी खाली है। और ये पब्लिक देखिए आप, अभी पूरे तालाब में घूम रही हैं। ये अब कुछ समय बाद बारिश होने के बाद आपको ये खाली नहीं दिखेगा, पूरा पानी से भरा जाएगा। लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे आज संडे का दिन विशेष कर, और देखो सब फोटो खींच रहे हैं। ये हमारे साथ के जो बंदे लोग आए हैं, ये भी फोटो उनका भी व्यस्त लग रहे हैं। तो गाइस, और बहुत कुछ अभी तो बाकी हैं। बाउंड्री से देख रहे, इतना पानी इसमें आ जाता है, जैसे कि ये पुलिया की जो बाउंड्री है ना, लगभग इतना पानी इस पर आ जाता है, बहुत काफ़ी पानी रहता है यहाँ पे। देखो बहुत सारी पब्लिक आज संडे है तो एंजॉय करने आए हैं। देखो आप देख ही रहे हैं इतना। अभी थोड़ा शाम, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे और भी पब्लिक, और ये पानी में कुछ पक्षी जो पानी में रहते हैं, बगले घूम रहे हैं यहाँ पे, वो भी मज़ा ले रहे हैं। तो गाइस, यातायात रोड, शाम को घूमने की जगह, ये मंदिर भी है यहाँ पर। यहाँ पे बारिश का पानी आ जाता है, इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ रहता है। तो गाइस देखो, अभी हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, तो कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। बारिश में थोड़ा तालाब आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जितना भी वीडियो में आपको बताया है, ये तालाब के बाहर बाउंड्री से बताया है मैं जितना भी व्यू, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तालाब के बीच में आकर आपको ये व्यू बता रहा हूँ। जैसे तालाब के बीच में खड़ा हूँ और आपको बाहर साइड का एरिया आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। गाइस, आज कितने लोग यहाँ पर आके सेल्फी ले रहे हैं, सब एक दूसरे की काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और आज के दिन को एक यादगार पल बना रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। आपको वीडियो में देख के आपने पता लगा लिया होगा कि कितना गहरा और लंबा तालाब है ये। और भी पानी के करीब चलते हैं तो ये देख ही रहे हैं कितना साफ पानी है अभी फ़िलहाल में, तो और कितना गहरा पानी होगा, और इसके साइड में जो आपको कितनी हरियाली आपको देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम यहाँ पर। जैसे लग ही रहा आपको कि कितने लोग घूमने आ रहे हैं, संडे के दिन अक्सर बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैंने ये तालाब के बारे में पूरा आपको बता चुका हूँ, यहाँ का पूरा रहस्य। अब एक नज़र अपन डालते हैं बगीचे की ओर, यानी कि यहाँ का जो गार्डन किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन किया गया है, कितना बड़ा है यहाँ पर ये गार्डन। बहुत बड़ा है दोस्तों, इसमें हर प्रकार के आपको पौधे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। वो पौधे आपको अक्सर देखने को मिलेंगे जो इस जो ऑक्सीजन ज़्यादा देते हैं, जैसे पीपल, नीम, इस प्रकार के पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। ये आपको एक स्टेज एक और बना हुआ है यहाँ पर, और ये नगर परिषद मंसूर के द्वारा यहाँ का तेलिया तालाब इसको नाम दिया गया है। और ये प्रतिमा कर्मा देवी प्रतिमा है,
जैसे कि आपको वीडियो में पूरा अच्छे तरह से मैंने बता दिया है। और ये पूरा जो पिकनिक स्पॉट है ये नगर परिषद मंदसौर के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों ये गार्डन आप में दिख रहा होगा कि जैसे ये मेन रोड है, यहाँ से आपको तालाब का व्यू और भी शानदार दिखता है। जब पूरा भर जाता है पानी से ये, तो और भी अच्छा लगता है यहाँ का ये। और यहाँ से मैंने ये आपको इसका व्यू बताऊंगा तो किस प्रकार से यहाँ का ये तालाब का व्यू। तो हम पूरा तालाब और गार्डन और बाहर की चीज़ें लगभग घूम चुके हैं और ये यहाँ से अब हमारे वापस जाने की तैयारी। और यहाँ से अपन वापस इसी गेट की यशोदा मंदिर के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो हम पूरा घूम चुके हैं, आप भी आइए। और तो गाइस जितने इस जगह की इतने इस पिकनिक स्पॉट की जितनी तारीफ हमने सुनी थी, और ये सुनकर हम प्रतापगढ़ से यानी प्रतापगढ़ राजस्थान यानी पूरा राज स्टेट चेंज करके हम यहाँ पर आए हैं स्पेशल इस जगह को देखने के लिए। आज मंदसौर में आने का थोड़ा मौका मिला था, हमने सोचा कि चलो इस जगह का विज़िट किया जाए। आखिर में जो लोग बोलते हैं वैसा ये है कि भी है, तो आखिर में है। अभी थोड़ा माहौल कम है, पानी कम भरा हुआ है, लेकिन कम पानी होने की वजह से ये आसपास की जो जगह है ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर घूम के यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर पा रहे हैं। ये काफ़ी मस्त जगह है। जैसे जैसे समय कम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, पब्लिक आ रही है। तो गाइस ये था आज का हमारा स्पेशल ब्लॉग, कैसा लगा है आपको? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया है। मैं 2-3 बार गिरते गिरते बच भी गया है, वहाँ पर जूते काफ़ी कीचड़ में हो गए। मैंने सोचा मेरे दोस्तों के लिए मैं काफ़ी अच्छे वीडियो लाऊँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ मैं इजाज़त। बाय बाय। कैसा लगा आपको वीडियो? बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जितना हो सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, आप ये जगह घूमना चाहते हो और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ विज़िट करें। तलिया तालाब की पिकनिक स्पॉट है जो मंदसौर ज़िले में है और मंदसौर में ही है राम टेकरी पे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।